ये खामियाजा मुझे भुगतना पड़ा दलित होने का, ठीक है। मैं गरीब हूं और दलितों में महा दलित हूं, वाल्मीकि समाज से हूं, और ये जब से प्रतिमा लगाई है जब से लोगों की आंखों में चुभ रहा हूं मैं, ठीक है। और ये बिल्कुल जो ना मैं इसमें नहीं हूं और बिल्कुल तथ्यहीन चीज है, और ये जांच का विषय है, ये तो जांच का विषय है। वेरीफाई कौन, इतनी देर में वेरीफाई हो जाती है क्या? आप लोग बिना मेरा पक्ष जाने उल्टा सीधा जो भी चला रहे हो, ये तो हमारे भगवान की दासे पारिवारिक संबंध बहुत ठीक है, मेरी घरवाली हमारा पूरा परिवार मेरे साथ है, ठीक है। लेकिन मैं षड्यंत्रों से ही डरता भाई, मैं समाज के ऊपर बलिदान होने वाला आदमी हूं, कौम के वफादार लोग हम। जब एकलव्य का गूठा मांगा था द्रोणाचार्य ने, ये इस देश का इतिहास हमें जो है ना, देश का इतिहास देख लो, इतिहास ही हमारे बलिदानों से बना है। जब हम लोग उठना शुरू हुए तब तब हमें किसी न किसी षड्यंत्र के दबा दिया गया, और ये षड्यंत्र है और इस षड्यंत्र की जांच होनी चाहिए। मैंने अपना नैतिकता के आधार पर इस्तीफा दिया है, और उसमें अगर आप लोग इस बात को घुमाने की कोशिश कर रहे थे, बिल्कुल गलत है। आम आदमी पार्टी का मैं पहले भी सिपाही था, आज भी सिपाही हूं, और मेरी वजह से आम आदमी पार्टी में कभी कोई कलंक नहीं लगेगा, और मैं बिल्कुल ये इस बात को सिरे से निकालता हूं, ये बिल्कुल मेरे खिलाफ षड्यंत्र है, ये साजिश है, और इसकी जो है ना जांच होनी चाहिए। आप लोगों से भी अपील है कि एक तरफा चीजें ना दिखाएं, क्योंकि जिस तरह से हरेसमेंट ये सारी चीजें हैं ये गलत है। इसमें सुनिए, मेरी बात सुनिए, ये कोई नई बात नहीं, बरबरीक का सिर मांगा था हमारे भाई का, ठीक है। आप कितना इतिहास उठा लो इस देश का, हमेशा दलितों पर उत्पीड़न हुआ, दलितों को दबाया गया है। मैं गरीब परिवार से हूं, मैं अच्छी तरह समझता हूं, मैं वकालत में भी था, तथ्य को कैसे मोड़ा जाता है, कैसे तोड़ा जाता है। कानून जो है ना बड़े बड़े लोगों के घर की जागीर बनी हुई है, गरीब आदमी को फंसा भी सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं, लेकिन ये षड्यंत्र है भाई, मैं कह रहा हूं आपको बार बार, ये षड्यंत्र है, ये मेरे खिलाफ षड्यंत्र की जांच होनी चाहिए।